नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रिया। आज 15 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की और उनमें छपी खबरों की, वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। तो सबसे पहली खबर हमने ली है हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें राजधानी दिल्ली के बारे में कहा गया है, लिखा गया है कि दिल्ली की बेहद खराब हवा में हल्का सुधार, पराली से होने वाला धुआं घटा, एनसीआर में हवा दो दिन बेहतर रहने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर की बेहद खराब हवा में हल्का सुधार आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 330 दर्ज किया गया, शनिवार को इकाई जो है वो 437 और दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर को 314 अंक था। पराली से जो होने वाले प्रदूषण थे वो घट गए हैं, थोड़ा स्मॉग है और कोर्ट में जो है सरकार अपना पक्ष भी रखने वाली है इन सब चीज़ों को लेकर। अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 विश्व कप का चैंपियन। T20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। टॉस हार कर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा 172 विकेट का स्कोर बनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर करीब 18 ओवर 5 बॉल में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया 14 साल की T20 विश्व कप इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है। COP26 बैठक में कोयले पर भारत का प्रस्ताव मंजूर। COP26 बैठक में कोयले का इस्तेमाल कम करने के लक्ष्यों के साथ ग्लासगो जलवायु समझौते को मंजूरी दे दी गई। शनिवार देर रात तक चली बैठक के बाद भारत के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। बड़ी बात यह रही कि भारत ने विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए कोयले का इस्तेमाल खत्म करने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी हटाने के प्रस्ताव का विरोध किया। कोविशील्ड लगा चुके तो बूस्टर खुराक जरूरी नहीं। कोरोना टीका कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक के बीच जिन्होंने 12 हफ्तों का अंतर रखा था उनमें बेहतर इम्यून सिस्टम तैयार हुआ है। सीरो सर्वे के मुताबिक इससे इन लोगों को तुरंत बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों ने डोज के बीच के अंतर कम करने की संभावना से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट को विचार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा जाएगा। डुमरिया के मौनबार गांव की घटना, हत्या के बाद घर को बम से उड़ाया। गया में नक्सलियों ने 4 की हत्या कर फंदे पर लटकाया। काली वर्दी में आए भाकपा माओवादी के हथियार पर नक्सलियों ने शनिवार की शाम एक ही परिवार की 2 महिलाओं सहित 4 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इसके बाद शवों को उनके घर के बाहर गौशाला में नारियल की रस्सी के सहारे लटका दिया। इसके बाद नक्सलियों ने घर को बम से भी उड़ा दिया। यह दर्दनाक घटना डुमरिया थाना क्षेत्र की काचर पंचायत के मौनवार गाँव के बगमघरा टोले की है। यही वही स्थान है जहाँ मार्च 2021 में 4 नक्सलियों को कोबरा कमांडो ने मार गिराया था। महिला खाना बना रही थी और उसी दौरान उनकी हत्या की गई। पहले दरवाजा खुलवाया, फिर घर के अंदर घुसकर हत्या हुआ और उसके बाद गांव में दहशत का माहौल फिलहाल बना हुआ है। रिंटू सिंह हत्याकांड में मंत्री के भतीजे की गिरफ्तारी को छापे। कांग्रेस नेता से पूर्व जीप सदस्य पुष्पजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह हत्याकांड में मंत्री लेसी सिंह के भतीजे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संदिग्ध ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि 48 घंटे के बाद भी पुलिस की टीम को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। दर्दनाक नेपाल में कार हादसे में मोतिहारी के 4 युवकों की मौत। बिहार सीमा से लगे नेपाल के रौतहट जिले में सड़क दुर्घटना में कार सवार पूर्वी चंपारण के 4 युवकों की मौत हो गई। घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। मृतकों की पहचान पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के बखड़ी बताना निवासी अरुण साह, दिलीप महतो, दीनानाथ साह व सोरिया गोपाल निवासी अमित जायसवाल के रूप में हुई है। अफरा तफरी धमाके से कई मकानों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर, करकट नुमा मकान की छत उड़ी। दानापुर में स्कूल से सटे मकान में विस्फोट, 4 लोग जख्मी। दानापुर थाना क्षेत्र में लाल कोठी में रविवार की दोपहर जनकधारी स्कूल के पीछे एक खंडर नुमा मकान में तेज धमाके के साथ बम विस्फोट हुआ। इसमें रसोई में खाना बना रही महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। घायल में मोहम्मद शफीक की पत्नी आयशा खातून, उनका 2 वर्षीय बेटा अब्दुल्ला, 9 वर्षीय शाहिद के अलावा पड़ोसी मोहम्मद ओन की पत्नी जायदा खातून शामिल है। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को PMCH भेज दिया गया है। तो आज के अखबारों से तमाम इतने ही खबरें, कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। दिन भर और भी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।